तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि वी गार्ड कंपनी का है और ये एक एसी पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसका मॉडल नंबर है VND400। तो आज की वीडियो में हम आपको इस स्टेबलाइजर के बारे में बताएंगे और बहुत सी बातें ऐसी बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर जब खरीदते हैं तो फिर आपको बहुत सी बातें पता नहीं होती है, और जहां तक मुझे लग रहा है वोल्टेज स्टेबलाइजर कंपनी आपको बहुत सी बातों मिसगाइड करती है। इस बात को क्लियर करना चाहिए बट वो क्लियर नहीं करती है, तो आज हम उन सारी बातों को क्लियर करेंगे। देखते ही हमारा पूरा वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर। तो देखिए, आपको हम इसकी रेंज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसका देखिए मॉडल नंबर दे रखा है, वर्किंग रेंज इसकी दे रखी है 150 वोल्ट टू 25 वोल्ट एसी। तो मेन बात यही है, लेकिन जो इस पर ये दे रखा है वर्किंग रेंज, तो ये बहुत देखने वाली बात है। मैं काफी दिन से इस पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था बट इतना मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आज खास तौर पर इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 150 वोल्ट टू 285 वोल्ट एसी, यानी इनका कहना है कंपनी का कि हमारा स्टेबलाइजर 150 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट इनपुट आने पर अपना काम करेगा। वर्किंग रेंज और एक्चुअल वर्किंग रेंज दो अलग चीजें हैं जो कंपनी इस चीज पर ये क्लियर नहीं कर रखा है। कंपनी वर्किंग रेंज दे रखा है, तो आपको इसकी वर्किंग रेंज चेक करके दिखाते हैं कि वर्किंग रेंज वाकई 150 वोल्ट से स्टेबलाइजर हमारे वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं और फिर इसे चेक करके बताते हैं। देखिए, इसमें हमने इसके आउटपुट पर एक वोल्टमीटर लगा रखा है जो इसका आउटपुट वोल्टेज बताएगा। वैसे वोल्टेज मीटर इसमें दे रखा है, लेकिन एक इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हम देखिए एक मीटर इसके इनपुट पर लगा देंगे जहां से इसमें इनपुट सप्लाई आ रही है, तो उसमें लगाकर फिर से चेक करके बताते हैं आपको। चलिए अब इसे मेन लाइन से ऑन करके देखते हैं। देखिए, मेन लाइन से हमने इसे ऑन कर दिया, इसमें इनपुट वोल्ट बताना शुरू कर दिया इस मीटर ने। देखिए लगभग 153 की वोल्ट के आसपास है। आउटपुट अभी ऑफ है क्योंकि अभी टाइमर इसका वर्क कर रहा है। जब इसका टाइमर ये लाइट ग्रीन हो जाएगी तो टाइमर इसका ऑन हो जाएगा। देखिए नॉर्मल पर ये ग्रीन लाइट दे रखी है, जब टाइमर ऑन हो जाएगा तो ये मीटर हमारा आउटपुट वोल्ट दिखाना शुरू कर देगा। अभी आउटपुट ऑफ है क्योंकि टाइमर इसका वर्क कर रहा है। फिलहाल अभी तो 150 वोल्ट पर इसका टाइमर भी ऑन नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़े वोल्टेज बढ़ाते हैं इसके। ये देखिए, हमने थोड़े वोल्टेज बढ़ाए तो फिर इसने आउटपुट दिखाना शुरू की, बट ये आउटपुट देखिए इसका अभी 180 वोल्ट दिखा रहा है, पूरा 200 वोल्ट नहीं है। जबकि रेंज ये होना चाहिए कि हमारे जो मिनिमम रेंज हमने शो कर रखी है उतने वोल्टेज देने पर ये हमें कम से कम 200 वोल्ट आउटपुट निकाल कर दे, ये इसकी रेंज होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये देखिए 180 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है 157 इनपुट देने पर। ये देखिए, अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। देखिए हमने आउटपुट वोल्ट 200 किया, तो मिनिमम 170 वोल्ट होने पर, जब हम इनपुट वोल्ट जैसे 170 वोल्ट दे रहे हैं तब इसकी आउटपुट 200 वोल्ट हो रही है, अदरवाइज इसकी आउटपुट 200 वोल्ट से नीचे रह रही है, जो कि गलत है। तो जो रेंज का ये मसला है, ये चीज़ हो सकता है मैं समझने में कोई कमी आ रही हो या मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ। तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप लोग इस बारे में कुछ बेहतर जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें इस चीज़ को शो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर ये वर्किंग रेंज जो उन्होंने दे रखी है 150 वोल्ट, तो 150 वोल्ट पर ये इनका स्टेबलाइजर जो है वो भी वोल्टेज आपको दिखा देते हैं कितने दे रहा है। ये देखिए लगभग 152 वोल्ट होने पर ये आपका 180 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ऐसे में आपका स्टेबलाइजर ऑन तो हो जाएगा बट ये आपका एसी के लिए नुकसानदायक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है हमारा स्टेबलाइजर 150 वोल्ट से वर्क कर रहा है और 150 वोल्ट आने पर आप इसे चलाओगे, स्टेबलाइजर आपका ऑन हो जाएगा, स्टेबलाइजर ऑफ नहीं जाएगा, स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा, बट आपके एसी में प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे और आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो आगे से कभी भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदें किसी भी कंपनी, किसी भी शॉपकीपर से या फिर कंपनी के जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनसे इस चीज को जरूर क्लियर करें कि वर्किंग रेंज वाकई जैसे इस पर 150 वोल्ट लिखा हुआ, तो 150 वोल्ट से हमारा स्टेबलाइजर 200 वोल्ट आउटपुट देगा या फिर नहीं देगा। अगर आउटपुट देगा 200 वोल्ट, तो कम से कम कितने वोल्ट इनपुट आने पर देगा, ताकि आपको सही स्टेबलाइजर खरीदने में मदद मिल सके। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।